गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए, हम लोग भी अच्छे हैं। गाइस मैं टहल रही हूँ और ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हस्बैंड भी आगे दुकान से सामान लेने गए थे, अंडा दूध। कपड़े मेरे 2-3 दिन के धुले, मतलब अभी भी फैले, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। हवा नहीं चल रही है, 2-3 दिन तो बारिश होती रही है, बादल रहा है, अभी भी बादल है, मतलब अच्छी साफ धूप, हवा नहीं चल रही है। इधर भी फैले हैं, इधर भी फैले, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ। यश को चाहिए ब्रेड वाला अंडा और गुलशन को चाहिए प्लेन वाला, तो बस दोनों के लिए बना देती हूँ। बाकी थोड़ी सा सेब भी काट के दे दूँगी, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। और बारिश की वजह से कपड़े जो सूखे नहीं हैं, थोड़े थोड़े से गीले रह गए हैं, ड्रेस है तो हस्बैंड कर दे रहे हैं इनमें प्रेस, तो जो थोड़ी बहुत हल्के गीले हैं ना, तो वो सूख जाएंगे प्रेस से और प्रेस हो जाएगी सो अलग, इस वजह से हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ तैयारी। और मैं कर रही हूँ बैग वगैरह, टिफ़िन वगैरह की तैयारी बच्चों की स्कूल की। तो ये यश का बैग रेडी है, गुलशन का रेडी हो चुका है, तो मैं यश का कर देती हूँ फटाफट से रेडी। बैग कितना भारी है, बच्चों को ना पहले लगता है कि ये बोझ है, लेकिन यही बोझ जिंदगी बनाता है बच्चों की। पर कोई कोई बच्चा सोचता है, लेकिन मेरे बच्चे तो अच्छे हैं पढ़ने में। मैं जा रही हूँ स्कूल, मेरे बच्चों का नाश्ता टिफिन सब कुछ हो गया, मेरा खाना भी बन गया। और ये देखो यस रेडी है बिल्कुल जाने के लिए। गुलशन पहले चला गया क्योंकि एक क्लास उसकी एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से उसको पहले भेजना पड़ता है। यस की लेट है थोड़ी सा, तो बस रेडी है, उसके पापा आने वाले होंगे उसको छोड़ के, तो अब स्कूल लेके जाएंगे। तो गुलशन को छोड़ के आ गए हस्बैंड और यश भी जा रहा है, तो यश को मैं बाय कह देती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ये देखो बेड की हालत, इसी में अभी सारा चीज़ें फैली पड़ी है, इसी में रेडी होते रहे, नाश्ता करते रहे, तो थोड़ा सा हो जाता है, तो ये साफ करूँगी अभी मैं। और किचन भी मेरी ऐसे ही पड़ी है अभी, ये देखो इस तरीके की, मतलब फैला पड़ा है। मैं अभी टिफिन देती रही उनको, मतलब सुबह टाइम मुझे प्रेशर होता है, जब तक स्कूल नहीं जाते ना तब तक प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब तेज काम करना पड़ता है फटाफट से। और अब स्कूल चले गए तो अब मैं तसल्ली से करती रहूंगी कि अब कोई प्रेशर नहीं रहता। मतलब लो टाइम से कूड़ा वाली गाड़ी भी आ गई, तो मैंने कूड़ा भी फेंक दिया। कभी कभी ऐसा होता है मैं नहाने चली जाती हूँ और निकल जाती है गाड़ी। बाहर आई यार, तो थोड़ा सा खुल रहा है मौसम, लग रहा है कि थोड़ा सा धूप सी लग रही है बाहर, अच्छा है खुल जाए। किचन से ही स्टार्ट करती हूँ सफाई करना, ये सारी सफाई हो जाएगी ना, तो फिर मैं कमरे की आराम से करती रहूंगी। काम खत्म होने के बाद मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मैं कपड़े फैलाने बाहर आई, तो हस्बैंड को देखा जीने में चढ़े थे। मैं सोच रही हूँ क्या कर रहे हैं, ये देखो बिल्ली मौसी उतरने की कोशिश कर रही है, काफी देर हो गई, तो हस्बैंड सोच रहे हैं मैं इनकी हेल्प करूँ और ये नीचे उतर जाए। से काम खत्म हुआ, नहाया मैंने, वीडियो शूट नहीं कर पाई, पता है हमारे रोड है, रोड की उस तरफ कॉलेज है, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा, तो खूब जोरदार गाने बज रहे हैं, तो वहाँ पे खूब पार्टी मस्ती चल रही है, इस वजह से ना बहुत शोर मतलब आ रहा है, गाने आ रहे हैं। वीडियो मैंने एक दो बार शूट अभी किया था बीच में, तो उसमें गाने सुनाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कॉपीराइट ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया। आराम से खाना खाया और लेट गई, तो अभी थोड़ा सा रोक दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर बच्चे गए अभी ट्यूशन, वो आते होंगे, फिर इसके बाद खाना पीना बनाऊंगी। एक तो मैंने आज बाल धोए हैं, तो मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं, शाम होने को बाल अभी मतलब उतने अच्छे से नहीं सूखे हैं, क्योंकि धूप नहीं है कि मतलब कहीं चले जाओ धूप में बैठ जाओ, तो इस वजह से मैं आराम से लेट गई, सूख ही जाएंगे, मैं तो जूड़ा लगा लूंगी बस। गाइस गुड मॉर्निंग, हो गया नेक्स्ट डे, कल मैं ज़्यादा शूट फिर कर नहीं पाई क्योंकि रात को 12 बजे तक उनका फंक्शन चलता रहा, गाने मतलब होते रहे, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हुई। देखो रात में भी हम लोगों ने चूल्हे में खाना बनाया था, अभी गैस खत्म हो गया, गैस बन गए हैं गैस भरवाने, तब तक मैं बैठ गई ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए। आज का मौसम तो अच्छा लग रहा है, खिला खिला मौसम है और नीला बादल है, तो ऐसा लग रहा है कि खुल गया, मतलब साफ हो रहा है मौसम। आज ना गैस की वजह से बहुत लेट हो गई मैं, बच्चों को फटाफट से मैंने पराठे बनाए, ये बथुए के पराठे बना रही थी मैं आज, और नाश्ता भी नहीं मैंने किया, पहले मैंने सोचा पहले उनका करूँ बाद में करती रहूँगी, तो मैं अभी नाश्ता करके फ्री हुई हूँ, तो मैंने उन्हें पराठे बना के टिफिन मतलब दे दिए, अब मैं बना के रख लेती हूँ लंच के लिए। देखो अच्छा से गूंथ के रख दिया था मैंने, तो बच्चों को बना दिया मैंने और सब ऐसे ही पड़ा है, मैंने सोचा कि पहले मैं ये नाश्ता मतलब कर लेती हूँ, इसके बाद ये चालू कर लूँगी बनाना। गाइस तो रात हो गई है, दिन में बहुत अच्छा मौसम था, फिर इस टाइम ना बारिश होने लग गई, बादल आ गया और थोड़ी थोड़ी देर में मतलब थोड़ी थोड़ी सी बूंदें गिरने लगती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, तो इस तरीके का मौसम है। बाहर खाना बन रहा है हमारा, वो देखो चूल्हा चूल्हा में ना सब्जी पक रही है अभी, तो थोड़ा सा अंधेरा रहता है, पर हम लोग बैठ जाते हैं अपने आराम से, तो इतने में उजाला है, फिर उस तरफ ना टॉर्च जला लेते हैं बस फटाफट से, यहाँ पे सब्जी रोटी बन जाती है हमारी, तो हमारी गैस की बचत भी हो जाती है। तो अभी इस तरफ अंधेरा है पर लाइट रहती है, तो ये पेड़ के वजह से ज़्यादा रोशनी दिखती नहीं है।
तो ये देखिए ये ना झाप डाल रखी है हम लोगों ने ये पन्नी की मोटी, तो इसके वजह से ना हम लोगों का मतलब बाहर दिखता नहीं है, उधर रोड चलता है तो इस वजह से ना हम लोग अंदर रह जाते हैं। पन्नी लगी होती है ना तो आराम से इधर हम बनाते रहते हैं। और ये देखो डॉगी है, ये काले कलर का है तो इसलिए दिख नहीं रहा, ये बैठा है और ये बैठा रहता है। उस दिन हम लोगों ने चिकन बनाया था ना तो इसको लगता है कि रोज़ चिकन ही बन रहा है, तो हम लोग रोज़ तो चिकन नहीं बना सकती। और ये बैठा है इंतज़ार कर रहा है, रोटी खा लेता नहीं तो, यहाँ के कुत्ते रोटी नहीं खाते ज़्यादा। ये है इसका नाम कालू है, और एक और आता है तो वो एकदम भूरा है, ये कालू है। चूल्हे में बनाते हैं गाइस खाना, तो अलग ही टेस्ट आता है और बहुत मज़ा आता है, गांव जैसी फीलिंग आती है, लगता है जैसे गांव में बना रहे हो खाना। गाइस तो मैं अंधेरे में खाना बना रही हूँ, ये देखो भूत की परछाई दिख रही है, डर लग रहा है, ये भूत बैठ गया मेरे सामने, अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कौन है ये, कौन है, क्या चाहिए, खाना चाहिए। अभी देखो भूत है, आपको दिख रहा होगा मेरे पास भूत बैठ गया, आपको डर लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो भूत की ना गर्दन भी टेढ़ी हो रही है, ये देखो टेढ़ी हो गई, पूरा सिर मुड़ गया भाई भूत का। ये देखो बैठा है मेरे साथ में, खाना बनाते देखा था भी भूत को, मेरे साथ बनवा रहा है खाना भी, खाएगा भी। तो भूत का नकाब यश ने पहन रखा है, यश कह रहा है चलो मम्मी दोनों शूट करते हैं यहाँ पे शॉट, तो हम लोग शूट करेंगे, आप लोग जरूर शॉट में जाके देखना। सब्जी बन गई हमारी, अब मैं अंदर लेके जाऊंगी, खाना खाएंगे क्योंकि मौसम का पता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में ना बारिश हो रही है, तो अंदर चल के खाना खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एंड कर लेती हूँ, यश भी देखो यहाँ पे खेलता रहता है, हम लोग खाना बनाते रहते हैं तो यश यहाँ पे खेलता रहता है और हमारा खाना भी बन जाता है। और ये समझ लो कि बच्चों को भी चूल्हे का खाना बहुत पसंद आ रहा है, नहीं तो गांव में वो कम रहे हैं, हम लोग यहीं पे काम करते हैं तो इस वजह से दिल्ली में ज़्यादा इनको रखा हम लोगों ने, गांव में कम, तो चूल्हे का खाना फिर भी इन लोगों ने उतना खाया नहीं, फिर भी इन्हें बहुत टेस्टी लगता है, चूल्हे का खाना होता ही इतना टेस्टी, मतलब सोंधापन होता है उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों का बन गया खाना, अब खाएंगे। चलिए फिर वीडियो कर लेते हैं एंड, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।